नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूं। पेश है आज के मुख्य समाचार। बीकॉम प्रोफेशनल कोर्स के छात्रों का फूटा गुस्सा, जेएनयू के वीसी के खिलाफ किया प्रदर्शन। शहाटा पुलिस की ओर से शराब की 120 बोतलों और साथ मोटरसाइकिल चोरी के बरामद। बेमौसमी बरसात ने उड़ाए किसानों के चेहरों के रंग। अब खबरें विस्तार से। अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अजायब सिंह बराड़ के खिलाफ सैकड़ों विद्यार्थियों का आक्रोश फूट पड़ा। जेएनयू से संबंधित कॉलेजेस के विद्यार्थियों ने वीसी के खिलाफ खूब आग उगली। गुस्साए विद्यार्थियों ने वीसी को उनके ही कार्यालय में नजरबंद कर दिया। विद्यार्थी उनके कार्यालय का दरवाजा ठोकते रहे। इस बीच मौके पर पहुंचे पुलिस ने विद्यार्थियों को तितर बितर किया। विद्यार्थियों का आरोप था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का हवाला देकर वीसी ने बीकॉम प्रोफेशनल कोर्स बंद कर दिया है। इससे हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। मेरा नाम साक्षी मल्होत्रा है। मैं बीबी के डीएवी कॉलेज से हूँ। बीकॉम प्रोफेशनल में मैं पढ़ती हूँ। मेन इशू ये है कि जो हमारी बीकॉम प्रोफेशनल की डिग्री है वो पिछले 14 ईयर्स से यूजीसी के एजेंडे में एग्जिस्ट नहीं करती, तो इलीगल मतलब चल रही है 14 ईयर से। तो ये इस चीज का खुलासा इस साल हुआ है। इन्होंने बोला है कि मतलब कि आपको आगे जॉब्स वगैरह नहीं मिल सकती, कोई फ्यूचर नहीं बन सकता। हम ये डिमांड रखते हैं कि उसको या तो वो करो, लीगलाइज करो उसको डिग्री को, अदरवाइज हमें हमारा रिफंड वापस करो। रणदीप सिंह है, बीकॉम प्रोफेशनल का स्टूडेंट है। सर, अज असी बच्चों की डिमांड से ही असी सारे अज इतने वीसी साहब को मिलन आए थे। असी उन्होंने एक मेमोरेंडम अपना पेश करना सीगा। वो मेमोरेंडम दे विच असी आओ लिखिया सीगा कि साड़ी जी डिग्री की साड़ा प्रोफेशनल जी बंद कर दी गई है, वो एक बहुत ही गलत काम है जो कि नहीं होना चाहिए सीगा। उस वास्ते असी कुछ इन्हां के डिमांड्स रखी हैं। असी इन्हां नूं कहा कि या तो साड़ी जी डिग्री है सिंपल बीकॉम कर दी जाए, तो जी असी एक्सट्रा पैसे पे किए क्योंकि दोवां दी फीस दे स्ट्रक्चर भी बहुत फर्क है, वो सानूं रिफंड कर दिता जाए। तो दूसरी सी डिमांड रखी है कि साडा जिहड़ा फ्यूचर है एकदम खत्म हो गया, ना साडा पास्ट है ना प्रेजेंट ना फ्यूचर, क्योंकि साडी डिग्री बंद कर दी गई है। इस करके सानू हर बच्चा जिहड़ा मंगदा है, हर बच्चा 20 लाख रुपए इन्हां को कंपनसेशन मांग रहा है क्योंकि साडी जिंदगी खराब हो गई है। तो उस तो बाद असी इन्हां को मिले हैं, उन्होंने सानू यही ऑप्शन दिता वा। उन्होंने ये क्या वा कि जिहड़ी तुहाडी डिग्री की है वो असी कॉलेजां नू ऑप्शन दे देंगे कि उहदे विच असी या तुसी रेगुलर की भी डिग्री लै सकते हो, प्रोफेशनल की भी डिग्री लै सकते हो। बच्चों को नोटिफिकेशन लैके कि चाहते हो, तो वो असी हम इन्हों जो उन्होंने सानू असी 48 घंटे का मेमोरेंडम टाइम दिता वा, और असं देख लेंगे साडे कॉलेजेस विच की नोटिफिकेशन आती है। जो नहीं आती तो बच्चे फिर सारे गर्म ही है। अगला स्टेप असी कोर्ट केस करना वा इन्हां दे अगेंस्ट। सर, अगला स्टेप साडा यही है कि असी एक बार स्ट्राइक होर करांगे, जे नहीं तो फिर असी जिहड़ी लिटिगेशन आउंदी लिटिगेशन पा के असी थ्रू कोर्ट चलांगे। देखो, साडी जिहड़ी BSc डिग्री है, BCOM और BCOM प्रोफेशनल, वो सारी यूनिवर्सिटी वालों भी रैकोनाइज है और UGC वालों भी रैकोनाइज है। और जिहड़े बच्चे सैकंड सेमेस्टर च पढ़ते ने, जो थर्ड सेमेस्टर दे विच BCOM नॉर्मल च एडमिशन लैन सकते, तो लै सकते हैं, तो उन्हें नॉर्मल फीस लगेगी। ये बच्चों नूं एक ऑप्शनल दिती गई है और सारिया डिग्रिया जिन्नी यूनिवर्सिटी ने दिखाई सारिया रेकोनाइज। देखो, अज 2014 च यूनिवर्सिटी वालों UGC वालों एक सर्कूलर आया कि सारिया डिग्रिया साढ़े ना रीलाइन करो, और उस सर्कूलर की लाइट से असं 2014 जोड़ा अं रीलाइन कर रहे हैं। सारिया यूनिवर्सिटियां कंट्री दिन रीलाइन कर रही हैं, उन्हें फ्यूचर ब्राइट है। जिन्नी यूनिवर्सिटी ने डिग्रिया दी सारिया स्टैंड कर दी, और यूनिवर्सिटी का राइट है कोई भी कोर्स सिलेबस कोई डिग्री बंद कर सकती है, कोई खोल सकती है, और ये कोई नवी गल नहीं है। असं बहुत सारिया कोर्सेज पिछले 4 साल बंद किए ने और सारिया डिग्रियां वैलिड। ये जो कोर्सेस ही बंद कर दिता, उन्होंने बच्चे बारे फ्यूचर सोचने की कोई लोड़ नहीं, हर कोई डिग्री BCOM नॉर्मल की मिलेगी। अमृतसर में हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ श्री राम तीर्थ जी के सरोवर की कार सेवा का शुभ आरंभ आदि वाल्मीकि धर्म समाज और रामतीर्थ के महंत मलकीतनाथ महंत सत्यनाथ ने मिलकर काउंसलर ओम प्रकाश गब्बर की अध्यक्षता में राम तीर्थ की कार सेवा की शुरुआत की। पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज की अपार कृपा के नाल, जो कि सतगुरु ज्ञान जी महाराज का सुपना सी, उस साकार होने वास्ते जा रहा है। मंदिर की सारी
बड़े जोर शोर न चलती है, जंगी पद्धर से काम चल रहा है। सरदार प्रकाश सिंह बादल का आदेश है कि 2 साल इसनों आप कंप्लीट करना वा कि रेंदे सरोवर की कार सेवा की अज शुभारंभ किया गया, जिसे योगदान वाल्मीकि समाज संत मलकीन नाथ जी, संत आत्मा नाथ जी, सारिया ही संगत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ने इकट्ठे होकर दी कार सेवा का शुभारंभ किया वा। असं आस रखते हैं कि अभी 2 महीने के इनू कंप्लीट करके ठेकेदार के हवाले करांगे, क्योंकि ठेकेदार अगली जी कार्रवाई है वो डिवेलपमेंट की उन्होंने काम बधा के लैके जाएगा। उस तो बाद भगवान वाल्मीकि आश्रम वालों धूना साहब वालों ये कौम तीर्थ दिता जाएगा, कौम ये उत्ते आके नतमस्तक होएगी। 84 फुट मंदिर बन रहा है, पिन्योरमा बन रहा है, धर्मशाला, गैसट हाउस, रेस्ट हाउस, तो सारा ही श्री बादल साहब की देन है, जिन्होंने 250 करोड़ रुपया दे के एक नवी गल अगे लैके आता है कि महाराजा रणजीत सिंह जिमें सेवा करता ही उसे तरह सरदार प्रकाश सिंह बादल सारे धर्मों नाल लैके अगे चले। पावन वाल्मीकि तीर्थ के पावन पवित्र सरोवर की जो कार सेवा आरंभ हुई है, जग हमन हो गए ये पावन वाल्मीकि तीर्थ के उत्तों अवदेश और संगतों नू अपील करते हैं कि पावन वाल्मीकि तीर्थ के उत्ते पहुँचो और इस सेवा दे विच जो योगदान पाओ। अमृतसर के जलियांवाले बाग को विरासती दर्जा मिलने पर भाजपा के मीडिया प्रमुख पंजाब प्रदेश भाजपा जनार्दन शर्मा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली का धन्यवाद किया और अपने विचार व्यक्त किए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी द्वारा अमृतसर के जलियांवाले बाग को विरासती दर्जा देने पर मैं पूरे पंजाब वासियों खासकर अमृतसर वासियों की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। 13 अप्रैल 1919 में शहीद हुए निर्दोष भारतीयों और शहीदों के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई और नहीं हो सकती जो अरुण जेटली जी ने आज हेरिटेज का दर्जा दे के दी है। 60 साल से भी ज़्यादा सत्ता में रही कांग्रेस सरकार ने कभी भी जलियांवाले बाग की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, जो कि आज वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने अमृतसर वासियों को ये दर्जा देकर अमृतसर गुरु नगरी का गौरव और अधिक बढ़ा दिया है। फरवरी महीने के आखिरी और मार्च महीने के शुरुआती दिनों के दौरान पंजाब में हुई बेमौसमी बरसात ने किसानों के चेहरों के रंग उड़ा दिए हैं। एक तो धान की फसल की मंडियों में सही कीमत नहीं मिली और ना ही धान की फसल की खरीद हुई। दूसरा, बेमौसमी बरसात ने गेहूं की खड़ी फसल को बर्बाद करके किसानों को दोहरी मार मारी है, जिससे किसान काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। अमृतसर की ही बात करें तो यहां पर बरसात के कारण करीब 50% फसल बर्बाद हो चुकी है। साढ़े पहला तो झोने नहीं विके, झोने सरकार ने रेड़ लाया तो घर के ही रुल गए ने, खराब हो गए ने। हूँ दूजा जो कणक की वारी आई तो मीह पैन करके कणक भी बहुत खराब हो गई ने, अद्धे नाल ज़्यादा तो कणक डिग पिया ने। उत्तों साडा खादा का खर्चा बहुत है, दवाइया का खर्चा बहुत है, तो इन्ना खर्चा जो साढ़े उत्ते लग गया सानू तो कुछ नहीं बचा ना। इस करके सरकार को चाहिए कि सानू इहदा मुआवजा दिता जाए, सानू कोई सहायता दी जाए इहदे उत्ते। जो ये साडे सरकार साडे लिए कुछ नहीं करती, ये करके तो साडे किसान जो आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते पे ने। इस करके सरकार को चाहिए, लिमिटा के कर्जे बहुत ने, सरकार को चाहिए कि साडे वास्ते कुछ किया जाए, किसानों वास्ते उन्होंने देखना चाहिए कि जो किसानों की फसल डिग पी है, जो झोने के रेट नहीं लगे उन्होंने कुछ ना कुछ दिता जाना चाहिए है। क्योंकि होर भी साडे खर्चे बहुत ने, असं ये सिर पर ही है ना, साडा होर कोई कारोबार है ना, इतों ही रोटी खानी, इतों ही कॉलेज के फीसा देनिया ने, इतों होर अं घर का खर्चा करना है। इस करके सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरा नाम बलजीत सिंह, तो बडाला भिडे वड साडा पिंड है, राम तीर्थ रोड से अमृतसर। इतने मीह के कारण कोई बर्फ पैन कणक का काफ़ी भारी नुकसान होया, हवा वगना कणक हिल गया, कुछ कणक का 5-5 क्विंटल तो वध फर्क झाड़ता आएगा, नुकसान इन्ना ज़्यादा हो गया। तो हवा ये जो जो मीह बारिश जो रुक नहीं रही, बारिश ने साडे नुकसान की ज़्यादा वधा वध रहा वा, ज्यों ज्यों बारिश हो रही है कणक पानी खलोते हुए ने, उन्होंने कारण कणक के वोडे हिल चुके ने, उन्होंने सुक जाने की भी हैगी कुछ किले, कुछ एकड़ जमीन जीडिया वो पानी की मार ना सुक भी सकदियां ने। ये काफ़ी देर बाद इन्ना टाइम लम्मी झड़ी जी है, काफ़ी देर बाद लगी है, तो आप बर्फ जी ये साढ़े इलाके तो है कि ज़्यादा पई है जी, लेकिन साढ़े इलाके काफ़ी देर तो बर्फ निकली पी, तो गड्डिया के कारण दूसरा छिट्टिया भी उत्तों घंटिया टुटिया ने, तो उन्होंने दूसरा उन्होंने छुट्टे छिट्टे भी सुक जाने, कुछ कुछ जमीनों में पानी खड़ा है, वो पानी भी पानी कारण भी इसलिए मुड़ तो इस टाइम तो कणक ज़्यादा चर पानी रहने नाल कणक के सुक जाने काफ़ी हुंदा वा असर, जो हम धुप लगेगी एकदम जिन्ना जो पानी होगा वो छेती कणक सुक के पीलियाँ पै जाएगियाँ।
ਤੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਤੇ ਬਚਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਏਗੀ। 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਖਰਚਾ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਸਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਪਈ ਹੈ। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को संसद में वित्तीय वर्ष 2015 से 2016 का बजट पेश किया गया। इस बजट से जहां आम लोगों को काफी अपेक्षाएं थी, वहीं कांग्रेस ने उसे आड़े हाथ लिया। अमृतसर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। ये पुतले इस करके सारे जी के मोदी साहब ने लोगों नु भोले भाले लोगों को धोखे दे नाल वोटां लै के लोगों नु झूठे सपने दिखा के कि मैं अच्छे दिन लियावांगा। अच्छे दिन की लियांदे ही उन बहुत माड़े दिन लियांदे। जिहड़ा बजट है, जिहड़ा बजट जिहड़ा इहने डिकलेयर कीता, इह 60 साल दे विच इतिहास दे विच पहली वारी इहो जिहा बजट पेश कीता कि जिहदे नाल कि हर आदमी जिहड़ा कि मीडियम परिवार, गरीब परिवार, वह होर गरीब हो गया कि रसोई जिहड़ी है लोगों की, और हर रसोई के उत्ते 5 हज़ार रुपया महीने का इन्हें पा दिता। और उहदे नाल की होया, यह जिहड़ा बजट है ये सिर्फ जिहड़े उद्योगपति ने जिहड़े वड्डियां वड्डियां कंपनियां जिहड़ियां उन्होंने इन्हें पिछे जिहड़ा फाइनेंस किया सी, जिन्हां ने दी सरकार बनाई सी, इन्हां ने सिर्फ उन्हां नूं खुश किया और बाकी इन घरां दे घर जाड़ दित्ते ने फड़ के। ये मीडियम क्लास, गरीब परिवार, हर मजदूर आदमी जिहड़ा कि सरकारी मुलाजम जिहड़ा कि हर बंदे दे नाल बोझ पाता, रातों रात तेल दा रेट वधाता, रसोई दी हर चीज़ जिहड़ी है कि जिहड़ी गरीब परिवार जिहड़ी कि जिहदी रसोई जिहड़ी माड़ा मोटा जिहदे चों अपना बजट करके अपना हर चीज़ जिहड़ी है, सीमेंट ला लो, कोई भी चीज़ ला लो, खाण पीण वाली वस्तुआं जिन्नियां भी चीज़ां, हर चीज़ महंगी कर दित्ती है, जिहदे नाल कि रसोई का जिहड़ा सिस्टम सारा अस्त व्यस्त हो गया कि इस वेले कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया कि इस वेले नहीं कि हालात माड़े हो जाएंगे कि जो हालात जापते पे है, जो मोदी की सोच है, जेटली सोच है, ये आऊ महसूस हों कि देश के दे अमृतसर की शिहाता पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने करणबीर सिंह उर्फ मुन्ना से करीब 7 मोटरसाइकिल काबू किए। शिहाता पुलिस के अधिकारी हरीश बहल ने बताया कि उक्त चोर से मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं और इसे पहले भी 13 मोटरसाइकिल बरामद किए गए थे। इससे पूछताछ पर पता चला कि उक्त चोर नशे का भी आदी है। पुलिस की ओर से 2 व्यक्तियों को काबू किया गया है जिनसे करीब 120 बोतलें शराब की बरामद की गई हैं और इनके खिलाफ बनती कार्रवाई की जा रही है। जो कमिश्नर साहब के दिशा निर्देशों के काम करते हुए असी कल एक करणबीर नाम उर्फ मुन्ना ही अरेस्ट किया है जिदे कब्जे के 7 चोरी के मोटरसाइकिल असी बरामद किए हैं। इनू अज तो 5-6 महीने पहला भी अरैसट किया, उदों भी असी इहदे कोलों 13 मोटरसाइकिल रिकवर किए सीगे ते हुण इहनू कल भी असी अरैसट कर लिया है ते अज इहनू कोर्ट च पेश करना, इहदा रिमांड लै के होर इहदे कोल पुछगिछ की जाएगी ते होर भी रिकवरी होण दे आसार हैगे। इह नशा करन दा आदी है ते नशे की पूर्ति लई ही जिहड़ी हुण साडे इनिशियल स्टेज ते मुढ़ली तफतीश च साडे इही गल आई कि नशे की पूर्ति लई ही इह व्हीकल चोरी करदा सी ते अगों इहदे कोलों हुण अही पुछ के डिटेल ना करांगे भी इह मोटरसाइकिल किहदे कोल गिरवी रखदा सी, किहदे कोलों पैसे लैंदा सीगा ते किद्दां अपना नशा पूरा करदा सी। सानूं इहदी हुण तफतीश तों इह पता लग्गा जदों दा इह जेल चों आया अपने नशे की पूर्ति लई इहने अपने घर का समान तक वेच दिता ते घरों इहने एक सिलंडर, एक टीवी ते एक इहने अद्धे तोले दे करीब अद्धा तोला सोने का कड़ा घरों चोरी करके ते इन्हें अगे किसी नूं अपने नशे की पूर्ति लिए गिरवी रखा। असी उस बंदे को रिकवर कर लिया सारा समान ते अज इहदे घरदिआं नूं सद के ते उन्हां दे हैंडओवर कर रहे। एक असी नशे ते भी काम करते हुए कल असी 2 लड़के हैगे आ, एक गुरमीत सिंह डिप्टी ते एक लड़का हैगा विक्की। इन्हां नूं कल असी दोवां नूं गिरफ़्तार किया ते इन्हां दे कब्जे चों 120 बोतलां नजायज़ शराब भी बरामद की है सांसा रोड बडाली तों। इन्हां दे अगेंस्ट असी 64 114 एक्साइज़ एक्ट के तहत केस रजिस्टर कर दिता
ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਮੇਂ ਦੋਹਰੇ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਜਿਸ ਮੇਂ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਮੁਸਦੀਨ ਆਲਮ ਜਿਸ ਨੇ ਲੁਟੇਰੇ ਕੇ ਸਾਥ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੀ ਥੀ ਉਸਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਫੈਸਲਾ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਹਿਤ ਅਰੋੜਾ ਰਿੰਕੂ ਔਰ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੌਲੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਮੀਨੂ ਸਹਿਗਲ, ਦੀਪਕ ਸਹਿਗਲ ਆਦਿ ਔਰ ਸਮੂਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੋਂ ਨੇ ਮਿਲਕਰ 1,26,000 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਲਮ ਕੀ ਵਿਧਵਾ ਪਰਵੀਨ ਬੇਗਮ ਕੋ ਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰੋਂ ਕੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੇਂ ਦੀਏ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ DCP MS ਸੰਧੂ, ADCP ਕੇਤਨ ਪਾਟਿਲ, ACP ਦੀਪਕ ਆਦਿ ਉਪਸਥਿਤ ਥੇ। ਡੇਢ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਇਸ ਮੈਡਮ ਦੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 1,26,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨੈੱਟ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ। DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿੰਕੂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰੋਹਿਤ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਆਲਮ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1,26,800 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਬਸ ਹੈ, ਬੇਸਹਾਰਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਰਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 1,26,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ। ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ ਖੁਲੇ ਮੇਨ ਹੋਲ ਮੇਂ 10 ਸਾਲ ਕਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਪਿੰਦਰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਥਾ, ਜਿਸੇ ਉਸਕੀ ਮੌਕੇ ਪਰ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕੇਸ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੀ ਕਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂੰ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰ ਕਰਮੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੇ ਭਾਗਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕੋ ਕਿਸੀ ਕੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਪਿੰਦਰ ਕੀ ਮਾਂ ਯਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਥੀ ਕਿ ਅਫਸਰੋ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਮਾਰ ਡਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਯਹਾਂ ਪਰ ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਥੇ, ਉਹ ਖੇਲਤੇ ਖੇਲਤੇ ਡਿਗਾ, ਜਖਨ ਕੋਈ ਆਤਾ ਹੈ ਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸਭ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕਰ ਉਸਕੋ ਘਿਸਕਾ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਵਾਰੀ ਉਸਕੋ ਹਮ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਰ ਪਾਂਚ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਉਸਕੋ ਹਮ ਧੱਕਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਆ ਕਰਕੇ ਸਭ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕਰ ਉਸਕੋ ਹਟਾ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਾੜੀ ਬੈਕ ਕਰਤਾ, ਬੈਕ ਕਰਨੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਯਹਾਂ ਉਹ ਹਟਾਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਾ ਮੰਡੀ ਲਗਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੋ ਮਾਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਜਬ ਸੀਵਰ ਜੋ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਸਕਾ ਗਲਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਉਸ ਸੀਵਰ ਕਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਹ ਢਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਕਰੇਂਗੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਡਿਗਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਮੇਂ ਉਸਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਪਰ ਹਮ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਹਮਾਰਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਟਰ ਚ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਲਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, BP ਰਿਕਾਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਫਿਕਸ ਐਂਡ ਡਾਇਲੇਟਡ ਹੈ, ECG ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦੇਅਰ, ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ। ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੱਕਦਮ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਸਟ ਏਡ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ
उन्हें कोशिश के बावजूद भी दसा कि बच्चे की मौत हो चुकी। बच्चा डिगन का कारण है कि कारपोरेशन के जेडे सीवर है वो उत्ते जो ढक्कन सी अद्धा खुला होया अद्धा बंद सीगा अद्धा खु जो क्यों खुला जिसके करके डिगया ये बारे पता किया जा रहा। बच्चा वो झुग्गियां वाले जोड़े प्रवासी ने जो झुग्गियों च रेंदे ने उत्थे ही लेबर वगैरह करते हैं तो वह झुग्गियों च रेंदे ने तो उन्होंने बच्चे आम तौर पर उत्थे खेडते रेंदे ने तो खेडद खेडद ही कितने बच्चा जरा सीवर में डिग हूँ यो पता किया जा रहा कि किस कर्मचारी की उत्थे ड्यूटी ये बनती सी कि रोजाना सीवर के ढक्कणों चैक करे कि यह बंद हैं कि नहीं हैं। तो फिलहाल हम 174 की कार्रवाई करके अमल में लिया जा रही है तो यह पता किया जाएगा ढक्कन खुलन का की कारण है। साका नीला तारा एक डाकू ड्रामा फिल्म होगी जिसके लेखक निर्माता व निर्देशक मंगल ढिल्लो होंगे। इस फिल्म का मकसद किसी का अनादर या किसी को गलत सही साबित करना नहीं है बल्कि उस सत्य को उजागर करना है जो अभी तक किसी न किसी कारणवश लोगों के सामने नहीं आ सका है। ब्लू स्टार ऑपरेशन को देखा जाए तो उसमें मरने वाले भी हमारे अपने थे और मारने वाले भी हमारे अपने ही थे। उस काले दौर की वजह से हम पंजाब को 100 साल पीछे ले जाने के अलावा बहुत बड़े कर्ज के बोझ तले दबाने के लिए जिम्मेदार हैं। ये फिल्म किसी कमर्शियल नज़रिए से नहीं बनाई जा रही है बल्कि सारे घटनाक्रम के पीछे सत्य तक पहुंचने के तुच्छ सा प्रयास है। देखो जी सच नूं सामने लियाउण दा यतन कर रहे हैं, बड़ा निमाणा जिहा प्रयास है। इहदे विच किसे नूं नीवां विखाउणा किसे दा अपमान करना किसे ते इल्जाम लाउणा नहीं है, सिर्फ सच नूं उजागर करना। तो सच की यह खूबी है जो सच प्रगट हुंदा है तो जिहड़ा गलत हुंदा है वह आप दी आप ही गलत साबित हो जाता है। तो साडा प्रयास यह नहीं है कि जिहड़ा सच दबिया रहा एक अजिहा जख्म है जिन्हों लुकाउंदे भी नहीं बनता जिन्हों लोगों के सामने लियाउंदे भी नहीं बनता। तो सच की यह खूबी है कि जिन्ना उन्होंने सामने लियाना मुश्किल है उन्होंने लुकाना भी मुश्किल है। तो साड़ी कोशिश है कि निमाणी जही सानू गुरु ते यकीन है खालसा तो लैके हुण तक गुरु ने आप बांह फड़ के साडे कोले सेवा करवाई है। साड़ी कोई औकात हैसीयत नहीं गी ना असी कोई इन्ने वड्डे विद्वान है कि असी सच नूं सही रूप दे सामने लिया सकीए, पर सानू गुरु ते यकीन है कि जिवें हुण तक उन्हें बांह फड़ी रखी कदे पिट नहीं लगन दित्ती उस तरह हुण भी अजिहे लोगों नाल साडा राबता होऊगा बणूगा। असी उह खोज करके सच नूं सही रूप दे विच अनअडल्टेटेड फॉर्म दे विच बिना किसी मिलावट तो सामने लियाउण दा यतन करांगे ताकि लोग ये फैसला कर सकन कि असल विच इस ब्लू स्टार ऑपरेशन वास्ते जिम्मेदार कौन सी ते सब तो ज़्यादा नुकसान किहदा होया। जो तुसी कोई किताब लिखते हो जिवें तुसी जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट एक आर्टिकल लिखता है तो उहदा एक एंगल हुंदा है किस एंगल तो तुसी लिख रहे हो। तुसी लोगों नूं भड़काउण दे एंगल तो लिख रहे हो, लोगों नूं समझाउण दे एंगल तो लिख रहे हो या लोगों नूं रिलाइजेशन कराउण दे मकसद तो लिख रहे हो। साडा मकसद है रिलाइजेशन, भड़काउणा मकसद नहीं है। जे लोगों ने सोचा कि भी एक फिल्म चल गई साडा हक तो उदू बाद आप बनाइए तो पैसे कमाइए नहीं, साडा वो मकसद नहीं। साडी जिन्नियां भी फिल्म है सिनेमा हॉल दे विच रिलीज़ नहीं करते गए, असीं उस कोई गाने नहीं पाउंदे गए, उस हीरो हीरोइन नहीं होंगे गए, नहीं निरोल इतिहास हुंदा हैगा दस्तावेज़ के तौर पर कि उन्होंने असीं संभालना प्रिजर्व करना हैगा ताकि साडियां जिहड़ियां आउण वालियां पीढ़ियां जिवें सिख इतिहास दे विच मिलावट की गई है पहलां तो हुण तक कन्फ्यूजन है। कोई गुरु तेग बहादुर साहब बारे गलत लिखी जाता है, पिछले जो किताब छपी से तो बहुत कुछ ही गलत लिखा हुआ सगा, बच्चों के जो सिलेबस दिताबा वो गलत लिखा हों। साडी कोशिश हैगी है कि जो मैनू इन्ना ज़्यादा कन्फ्यूजन महसूस होया जो मैं खालसा इतिहास से खोज कर रहा है भंबल भूसे पै रहे तो जी साड़ी आने वाली पीढ़ियाँ वो भी कन्फ्यूजन के ना पैन एक निरोल वर्जन सामने हो आया होया कोई मिलावट नहीं गी कि नीवा विखाउण दा कि अपमान करन दा मकसद नहीं गा कि इल्जाम लाउण दा मकसद नहीं, सिर्फ एक्चुअली की होया ते किहड़े किहड़े लोग किस हद तक इहदे विच जिम्मेदार सी, घट सी कोई ज़्यादा सी, पर तकरीबन सारे ही जिम्मेदार सी वरना ब्लू स्टार ऑपरेशन नूं अवॉइड किया जा सकता सी। वार्ड नंबर 3 सेवा नगर रामतीर्थ रोड पर गली में पार्क के पास लगे गंदगी के ढेर से इलाका निवासी काफी परेशान है और इस पर उन्होंने नगर निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया है। इस अवसर पर इलाका के काउंसलर राजकुमार जौली ने कहा कि इस गंदगी से कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं और अगर प्रशासन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो वह इलाका निवासियों के साथ धरने पर बैठेंगे। कुमार जौली जी वार्ड नंबर 3 तो बोल रहे हैं। गल ये भी है कूड़ा जड़ा ना मतलब इन्ना माड़ा हाला वार्ड दा बार बार शिकायत करने के बावजूद इन्हें कूड़े की कोई समस्या हल नहीं हो रही है और पिछले 6 महीने हो गया मैं तो रौला रौला पा पा थक गया इन्हों का, मतलब एक काउंसलर के कहने से नहीं चुके आम पब्लिक का की हाल है। ये हम कारपोरेशन का तो मैं लगता भी रब ही रखा है, उत्तों बीमारी आ स्वाइन फ्लू फैलिया आ
ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਹੋਣ ਡਿਆ ਮਤਲਬ ਆ ਕੂੜੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਉਹਦੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਹਾਊਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇ ਤਾਰਨ ਡੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਨ ਰਾਮਤੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵੀ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵੀ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਮਤਲਬ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੇਚਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੋਟਲ 1000-2000 ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਰਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਲੋਹਾਰਕਾ ਰੋਡ ਪਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲੇ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਸਮੂਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰੋਂ ਔਰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਓਂ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ 2 ਤਾਰੀਖ ਸੇ ਲੇਕਰ 7 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਔਰ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਥੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜੋ ਕਿ ਲੋਹਾਰਕਾ ਰੋਡ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਈਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੋਲੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਹੋਲੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਨ ਲਾ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾਦਪੁਰਾ ਹਨ ਦਾਸ ਸੇਵਾ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਬਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਚਾਰੋਂ ਪਰ। ਬੀਕੌਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਕੇ ਛਾਤਰੋਂ ਕਾ ਫੂਟਾ ਗੁੱਸਾ GNDU ਕੇ VC ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਸ਼ਹਾਟਾ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੀ 120 ਬੋਤਲੋਂ ਔਰ ਸਾਥ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕੇ ਬਰਾਮਦ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਉੜਾਏ ਕਿਸਾਨੋ ਕੇ ਚਿਹਰੋਂ ਕੇ ਰੰਗ। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।